बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम वर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर बाय अ साइंटिस्ट नेम इज क्रिश्चियन रैन यूड्यूफ इन द मिड 20th सेंचुरी। एक बेल्जियन साइंटिस्ट था बेटा जिसने सबसे पहले लाइजोसोम्स को सेल के अंदर डिस्कवर किया। एक्चुअली दीज आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं जिनके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ताकि विद इन द सेल मटीरियल्स को डाइजेस्ट किया जा सके। तो दीज आर द सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स दैट हैव द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स दैट हैव द मोर पावरफुल एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन ऑफ द मटीरियल्स विद इन द सेल। अब हम देखते हैं कि बेटा ये कॉन्स्टिट्यूट कैसे होते हैं। लास्ट टाइम हमने गॉल्जी अपरेटस को बेटा जी प्रॉपरली देखा था कि गॉल्जी अपरेटस का क्या काम होता है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको मॉडिफाई करता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स में हेल्प करता है। अब अगर स्पेसिफिकली ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम बेटा फ्यूज़ होते हैं गॉल्जी अपरेटस के साथ, गॉल्जी अपरेटस इसको मॉडिफाई कर देता है। और हमने कहा था कि पिंच आउट जो दूसरी फेज से होते हैं गॉल्जी अपरेटस से उनको हम गॉल्जी वेसिकल्स कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात बेटा हो रही है डाइजेस्टिव एंजाइम्स की अगर इस स्मॉल बाउंडेड स्ट्रक्चर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं तो इनको हम गॉल्जी वेसिकल्स नहीं कहेंगे, इनको हम कहेंगे लाइजोसोम्स। दीज विल बी कॉल्ड द लाइजोसोम्स, या मैं कहती हूँ प्राइमरी लाइजोसोम्स, नए बनने वाले इब्तदा में बनने वाले लाइजोसोम्स। इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ताकि क्या कर सके फूड को जो है फूड को या वेस्ट मटेरियल को स्मॉल सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर सके। इधर या तो ये सिक्रीट आउट कर दिए जाएँ सेल से या इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि अगर कोई सेल जो है अगर सेल अपने अंदर कोई बल्की मटेरियल लेके आ रहा है, कोई बल्की फूड पड़ी हुई है, ठीक है जी, ये फूड पार्टिकल है, सेल अपने अंदर इसको लेके आ रहा है, इसको इंगल्फ कर रहा है इस फूड को, ये फूड अब सेल के अंदर इंटर हो चुकी, आप इसको हम नाम दे रहे हैं दिस इज़ द फूड वैक्यूल। अब ये बल्की मटेरियल है तो लाइजोसोम बेटा क्या करेगा, लाइजोसोम विल बी माइग्रेट टुवर्ड द फूड मॉलिक्यूल और क्या करेगा इसको, ये इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। लाइजोसोम जो है इस फूड वैक्यूल के साथ एंजाइम रिलीज करके क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा ताकि इस फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट किया जा सके। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड मॉलिक्यूल को क्या करेंगे बेटा जी, सिंपल कंपोनेंट्स में स्मॉल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे, स्मॉल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे ताकि फूड इन स्मॉल कंपोनेंट्स को इजीली यूज कर सके, इजीली एब्जॉर्ब कर सके। देन दीज फूड पार्टिकल विल बी रिलीज इनसाइड द सेल ताकि सेल इसको यूज कर सके फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। इसके अलावा ना सिर्फ ये बेटा फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है बल्कि ये क्या करता है, ये वेस्ट मटेरियल को भी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल द सेल ने जो है वो अलार्ज नंबर ऑफ वेस्ट मटेरियल्स बनाए हैं और सेल वेस्ट मटेरियल ऐसा अपनी बॉडी में रिलीज नहीं करता साइटोप्लाज्म में बल्कि उसको इनगल्फ कर लेता है, उसको इनहेल कर देता है, उसको इनक्लोज कर देता है एक मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर में और एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आर सच बाउंड्री स्ट्रक्चर स्मॉल स्ट्रक्चर दैट हैव द वेस्ट मटीरियल। तो लाइजोसोम बेटा इसको भी फ्यूज करता है, इसको भी अपने साथ फ्यूज करता है और इसको सिंपल कंपोनेंट्स में चेंज करता है और देन ये फॉर एग्जाम्पल ये सेल मेम्ब्रेन है तो देन ये सिंपल कंपोनेंट्स में चेंज करके और सेल से इसको बाहर डिफ्यूज आउट कर देता है ताकि विद इन द सेल जाके ये कोई कम्प्लिकेशन काज ना कर सके। होप सो का बेटा आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया और लाइजोसोम्स का। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।